लोकसभा चुनाव से पहले हम उन गांवों की तस्वीर जानने के लिए निकले हैं जिन्हें मोदी सरकार के मंत्रियों और सांसदों ने गोद लिया था। आखिर 2014 से उन गांवों का कितना विकास हुआ, कितनी हकीकत है योजनाओं की, ये जानने की कोशिश करेंगे। हम इस समय मौजूद है भिंड जिले के सोनी गाँव में। सोनी गाँव को आदर्श गाँव के रूप में भागीरथ प्रसाद ने गोद लिया है। आखिर इस गाँव की तस्वीर और तकदीर कितनी बदली है, ये जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के स्थानीय गाँव के लोगों से। भिंड के जो सांसद हैं भागीरथ प्रसाद, जब उन्होंने सोनी गांव को आदर्श गांव के रूप में गोद लिया था तब कई सारे वायदे किए थे, स्वच्छता को लेकर वायदे किए थे, लेकिन स्वच्छता को लेकर अपन हालात देखें तो किस तरह के हैं, ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। ये गंदगी का अंबार लगा हुआ है, साथ ही जो जानवर हैं कई सारे फैले हुए हैं, कई सारी जो चीज़ें हैं उसको लेकर उन्होंने वादे किए थे कि स्वच्छता को लेकर एक अभियान चलाया जाएगा, क्लीन ग्रीन होगा जो गांव है सोनी गांव। लेकिन हालात आप देख सकते हैं कि लोगों को बामुश्किल सड़क है वो पार कर पाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। किस तरह के, अगर स्वच्छता की बात करें तो क्या वायदे किए थे सांसद जी ने और कितने पूरे हुए इनके? कुछ भी पूरा नहीं हुआ। सारे गाँव में देखो हर जगह गंदगी गंदगी मिलेगी, यहाँ भी है और भी, अगर बाहर जाओ हर जगह गंदगी है, वहाँ कोई स्वच्छता है ही नहीं। यहाँ कहीं घूरे डले हैं, कहीं वैसी गंदगी है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ, कोई व्यवस्था है ही नहीं इस गांव में। क्योंकि भाई अगर ये हालात हैं गंदगी के तो लोग बीमार भी पड़ रहे होंगे, किस तरह? हाँ बीमार हैं, हाँ बीमार, बीमारी फैलती है, परेशानी भी पड़ती है, सारी परेशानी है। आप देख सकते हैं कि ये चीनो सोनी गांव है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात है लगभग 4.5 साल होने को आ रहे हैं तब से ये हालात हैं। 2014 में जो भागीरथ प्रसाद सांसद थे उन्होंने ये गांव को गोद लिया था, कई सारे वायदे किए थे लेकिन वायदे सिर्फ वायदे बनकर रह गए और उसकी हकीकत क्या है ये तस्वीरों में भी साफ दिखी जा सकती है। हमारे साथ गाँव के ही कुछ लोग मौजूद हैं। किस तरह के वायदे किए थे जब सांसद जी ने ये गाँव को गोद लिया था? वायदा तो पूरे करे थे, स्वच्छ गांव रखेंगे, यहाँ में काम करावेगा, चित्री का सब गांव ऊपर ले जाएंगे, उन्नति करावेंगे गांव की, कोई वायदा पूरे नहीं करे साहब। किस तरह के हालात हैं अगर गांव में देखें तो क्या, किस तरह के हालात दिख रहे हैं आपको? अगर स्वच्छता की बात करें, स्वच्छता में कौन आने, स्वच्छता में तो बिल्कुल गंदगी है पूरे गाँव में, और बीमारी फैल रही है गंदगी से। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे जाने की कोशिश करते हैं कि दादा किस तरह के हालात हैं आपके गांव में, अगर ये हालात बने हैं तो आप कैसे निकलते हैं, कितना मुश्किल होता है आपको? बड़ी मुश्किल है साहब, और हर गली में मुश्किल है। और इस गांव का सरपंच जो है ऐसा जाखन बना है कि वो तो जो है कुछ कार करनी नहीं चाहता, वो भी हरिजन है और वो भी हरिजन थी, तो वो चट्टी बट्टी उन्होंने ना तो कोई पैसा दिया ना कोई कारू। सांसद जी थे उन्होंने कई सारे वायदे किए थे आदर्श गांव को लेकर के स्वच्छ रखेंगे, लेकिन स्वच्छता में आप अपने गांव को कहां पाते हैं, कैसा हुआ, डेवलप हुआ कुछ? कुछ नहीं हुआ स्वच्छता के बारे में, सब गंदगी गंदगी पूरी फैली हुई है द्वार पर। आप देख सकते हैं कि हालात जो है वो बेहद बेकार हैं और जिस तरह के जो हालात हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं, क्योंकि पूरा जो गांव है, गांव में पूरे में गंदगी है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसा कोई सा भी रोड नहीं है जहां पर गंदगी ना हो, हर तरफ गंदगी है। जो आवारा जानवर है उनका अभी जमावड़ा काफ़ी सारा है। आप देख सकते हैं कि एक ये पुरानी पानी की टंकी है, ये जर्जर हो चुकी है और ये गिलरे के भी हालात हैं, लेकिन इसको लेकर भी जो गाँव के लोग हैं उन्होंने सांसद महोदय से भी शिकायत करी है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी तरह के जो हालात हैं वो नहीं सुधर रहे। और ख़ासकर अगर स्वच्छता की बात करें तो ये सबसे जो गंदे गांव में शुमार होता हुआ नज़र आ रहा है। वैसे अगर बात की जाए तो सांसद जी ने कई सारे वायदे किए थे स्वच्छता को लेकर, वो शायद उनमें से एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। जिले का ये सोनी गांव है और जहां उज्ज्वला योजना की हकीकत जानने आए हैं, जैसा कि सरकारी कागजों में कहा गया था कि कई सारे जो गांव के लोग हैं उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस के सिलेंडर दिए गए हैं, लेकिन ये मुन्नी बेगम हैं और इन्होंने, जैसा कि इनके मुताबिक इन्होंने 2 बार आवेदन किया था लेकिन आज तक इनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर नहीं मिला है और आज भी ये चूल्हे पर रोटी बनाकर अपनी ज़िंदगी यापन कर रही हैं। इनका पूरा परिवार है अभी तक ये चूल्हे पर। कब से क्या किया था आपने, आवेदन कब किया था, क्या हुआ उसका? कुछ जवाब ही नहीं आया। कितनी बार आवेदन किए थे आपने? 2 बार। अच्छा, तो कैसे खाना बनता है आपका? ऐसे चूल्हे पे बनाते हैं। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। आपने आवेदन कब किया था और उज्ज्वला योजना के तहत आपको क्यों नहीं मिला? 2-3 महीने आ गए ना।
हां चूल्हे पे रोटी बनाते हैं जी के तो 7-6 महीना आएगा तब भरू फार्म 6-7 महीना आएगा अच्छा अच्छा हां तो क्या क्या जवाब देते हैं क्या कहते हैं वो लोग कोई जवाब आता ही नहीं है तो अभी तक आपको चूल्हे से रोटी बनाना पड़ रही है जब आपने अप्लाई किया था तो क्या कहते हैं ये लोग चूल्हे से बनाना पड़ता है तो आप देख सकते हैं कि ये हालात हैं उज्जवला योजना के तहत जैसे कहा गया था कि कई सारे जो कनेक्शन हैं वो दिए गए हैं सोनी गांव में लेकिन जिस तरह के जो हालात दिख रहे हैं अभी भी लोग जो है चूल्हे पर ही रोटी बना रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि जो उज्जवला योजना है उसकी हकीकत तो सोनी गांव में क्या है भिंड जिले के सांसद भागीरथ प्रसाद का ये गांव गोद लिया हुआ है सोनी गांव में मौजूद है हम यहां पर शिक्षा व्यवस्था की पड़ताल करेंगे कि आखिर जब से उन्होंने गांव को गोद लिया है तो शिक्षा व्यवस्था कितनी सुधरी है क्या हालात हैं कितना डिजिटलकरण हुआ है स्कूली शिक्षा को लेकर क्योंकि जब गाँव को गोद लिया था तो कई सारे वायदे किए थे कि शिक्षा व्यवस्था है वो बेहतर होगी सुधरेगी लेकिन आज क्या हालात हैं क्योंकि लगभग 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त है वो बीत गया है गाँव को गोद लिए हुए क्योंकि 2014 में इस गांव को गोद लिया गया था सोनी गांव को सांसद भागीरथ प्रसाद ने और उसके बाद गांव के जो हालात हैं वो कैसे हैं शिक्षा व्यवस्था कैसी है उसको जानने की सबसे पहले ये देख सकते हैं कि ये प्राथमिक विद्यालय है सोनी गांव का लेकिन ये स्मार्ट क्लासेस जो है आप देख सकते हैं कि स्मार्ट क्लासेस की बात कही गई थी लेकिन स्मार्ट क्लासेस में है वो ताला लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि ये ताला में जो स्मार्ट क्लासेस थी वो कैद है तो किस तरह से ये व्यवस्था हुई है ये क्या हुआ है ये देखने की कोशिश करेंगे ये अब जैसा कि जब टीवी का कैमरा पहुंचा है तो अब क्लासेस है वो खोली जा रही है और देखा जा रहा है कि वास्तव में क्या हालात है स्मार्ट क्लासेस के हालात आप देख सकते हैं कि ये स्मार्ट क्लासेस है जैसा कि सोनी गांव में जब लिया गया था गांव गोद लिया गया था तब वायदे किए थे कि इस गांव को जो शिक्षा व्यवस्था है वो हाईटेक की जाएगी लेकिन मौजूदा हालात देख सकते हैं कि टेबल मौजूद है लेकिन टेबल के अलावा ना तो कंप्यूटर है ना कोई चीज़ है ये देख सकते हैं कि एक टीवी जरूर मौजूद है वो इस तरह से पड़ी हुई है बैटरी है पूरा जो सिस्टम है मॉनिटरिंग सिस्टम है वो इस तरह के हालात हैं और जी टेबल जो टेबल है जहाँ पर कंप्यूटर रखे जाना थे वो टूटी फूटी हालत में है कंप्यूटर है वो गायब है स्क्रीन जरूर लगी हुई है लेकिन स्क्रीन के हालात कैसे हैं ये साफ देखे जा सकते हैं ना तो मॉनिटरिंग सिस्टम है ना ही कंप्यूटर सिस्टम है तो कैसे हाईटेक एजुकेशन बच्चों को मिलेगी ये सवाल इस बात का भी है हमारे साथ जो स्कूल के टीचर्स हैं वो मौजूद हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कंप्यूटर क्लासेस का आपका क्या हुआ कंप्यूटर क्लासेस थी आदर्श गांव डेवलप हुआ था तब बनाई थी का कंप्यूटर ये चालू थे और सब थे अभी निर्वाचन में चले गए निर्वाचन में चुनाव विधानसभा हुआ था तो मेहनत तहसील में पहुँच गए लेकिन फिर बच्चों को कैसे एजुकेशन दे रहे बात तो करी गई थी कि एजुकेशन दी जाएगी बच्चों को अच्छा रखा जाएगा उनको बेहतर एजुकेशन दी जाएगी डिजिटल एजुकेशन दी जाएगी लेकिन कुछ दिख नहीं रहा मैं तो अभी आए नहीं हमने गए थे वहाँ तो मैं लोगों ने कहा लोकसभा चुनाव के बाद देंगे लोकसभा चुनाव की तो आखिर अब आपने आवेदन कर रहे होंगे बच्चों को कैसे शिक्षा दे रहे हैं क्योंकि 4.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है इसको हाँ हो तो गया है और चलिए और हम अब जो क्लासेस है उसमें जाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बच्चे कैसे हाईटेक एजुकेशन की जो बात कही गई थी उनको एजुकेशन मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है और आप देख सकते हैं कि बच्चों के लिए टेबलें तो हैं और बैठे हुए भी हैं लेकिन शायद ड्रेसेस नहीं है क्या नाम है तुम्हारा नसरीन क्या पहले क्लासेस कंप्यूटर की क्लास लगती थी हाँ क्या हुआ फिर अब फिर चुनाव की वजह से बोलेगा अब क्यों बंद है चुनाव की वजह से बंद हो गया कंप्यूटर कभी कंप्यूटर क्लासेस में आपने अटेंड करी है नहीं तो मैंने तो की नहीं अभी तक क्या बताते हैं अब कंप्यूटर क्लासेस क्यों नहीं लगती है वो चुनाव में चले गए इसलिए नहीं लगती अब क्या चले गए वो कंप्यूटर वगैरह कंप्यूटर क्लासेस आपके यहाँ पर कब से नहीं लगी है सर अभी जो चुनाव हुआ तब से नहीं लगी है वजह क्या वजह सर वे चुनाव में चले गए और पहले कंप्यूटर क्लास लगती थी
पहले बताते थे कि आदर्श गांव लिया है आपका, जो क्लासेस हैं बेहतर हो जाएंगी, अच्छी हो जाएगी, कंप्यूटर से शिक्षा दी जाएगी, लेकिन अब तो बिल्कुल से परेशान, शिकायत करी है आपने इसकी? सर अभी कोई आया ही नहीं था सर। हाईटेक एजुकेशन की बात की गई थी कि इनको कंप्यूटर शिक्षा है वो दी जाएगी, लेकिन फिलहाल कंप्यूटर शिक्षा की बात की जाए तो कंप्यूटर गायब है, स्क्रीन दिख रही है, जो टेबलें हैं वो टूटी फूटी है। और बेटा क्या क्लास लगती थी इधर, कंप्यूटर से शिक्षा दी जाती थी, अब क्या हुआ इसका? दो तीन दिन बाद बंद हो गई थी। वजह पता नहीं। क्या क्या सिखाते थे आपको इधर उसमें? गणित पढ़े सिखाते थे। अच्छा, अभी क्या बताते हैं, काय को बंद कर दी? पता नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये सोनी गांव का जो प्राथमिक स्कूल है, इसको हाईटेक डिजिटल स्कूल बनाने की बात कही गई थी, लेकिन एजुकेशन के मामले में फिलहाल अब देखा जाए तो कंप्यूटर क्लासेस में कंप्यूटर ही नहीं है, टेबलें हैं वो टूटी हुई हैं, केबल स्क्रीन है। तो ऐसे में जो मोदी जी का जो सपना था हाईटेक एजुकेशन देने का, डिजिटल स्कूल बनाने का, वो कितना सफल हुआ है तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। ये भिंड जिले के आदर्श गांव सोनी का प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है। आप देख सकते हैं कि ये इसको टेम्परेरी रूप में आदर्श गांव घोषित होने के बाद बनाया गया था। ये फाइबर का अस्पताल बना हुआ है, लेकिन अस्पताल में जैसा कि बाहर से ही ताला लटका हुआ है, और कहा जाता है कि गांव के लोग कहते हैं कि उनको अगर बीमार हो जाते हैं तो उनको महगांव जाना पड़ता है, या फिर जिला मुख्यालय पर जाना पड़ता है, या फिर ग्वालियर की ओर रुख करना पड़ता है, तब जाकर उनको कहीं इलाज मिल पाता है। क्योंकि यहाँ पर अगर उप स्वास्थ्य केंद्र में ANM ही पोस्टेड है, डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण उनको कई सारी परेशानी है, वो सामना करना पड़ता है। हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं, गांव के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह की परेशानियां आती हैं, जब स्वास्थ्य केंद्र तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, ANM नहीं है, तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। किस तरह की परेशानी आती है आपको? हाँ, परेशानी तो है ही, अब यहाँ कोई कर्मचारी नहीं रहते हैं तो मतलब अगर जैसे कोई बीमार हो जाता है तो कहाँ जाना पड़ता है? कहाँ जाना, महगांव जाओ या ग्वालियर जाओ, यहाँ कोई नहीं रहता। कितनी परेशानी आती है आप लोगों को, क्योंकि स्वास्थ्य के स्वास्थ्य को लेकर दावा किए गए थे कि आदर्श गांव बनाया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, आपके गांव को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होगा, लेकिन डॉक्टर ही नहीं रहते तो कैसे? महगांव ग्वालियर जाना पड़ता है, यहाँ कर्मचारी आते हैं, एक लेडीज आती हैं, और रोजाना खुलता नहीं है। MBBS डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है? हाँ, पोस्टिंग नहीं है। MBBS डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं है। MPW और NMA आते हैं 8 दिन में, और अपना जैसे काम करके चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो डॉक्टर हैं उनकी नियुक्ति नहीं है, ANM की पोस्टिंग है, लेकिन वो भी नहीं आते हैं, जिसके कारण अस्पताल के बाहर ताला लटका रहता है। और भी लोग हैं, किस तरह के स्वास्थ्य सेवाओं के हाल हैं? आपके आदर्श गांव की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में कहाँ पर खड़ा है आपका गाँव? ये सोनी गांव में हम बैठे हुए हैं अभी, जो हॉस्पिटल हैं और जो डिलीवरी वाले जो केस आते हैं, उनको कोई परेशानी, टीका वगैरह लगवाना है तो आप महंगाव जाइए, यहाँ कोई सुविधा नहीं है टीका वगैरह की। जैसे 8 महीने तक वो टीके लगती हैं, वो भी यहाँ पे नहीं लगाई जाती हैं, कोई डॉक्टर है नहीं है, कोई नर्स है नहीं है, कौन लगाएगा टीके वगैरह यहाँ? और अस्पताल हफ्ते में एक दिन खुलता है ये वाला। बस सांसद जी ने जब गोद लिया था तब कई सारे वायदे किए थे कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर की जाएंगी, आपके सोनी गांव में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र आए था, लेकिन ऐसी हालात हैं तो फिर गांव के लोगों को इलाज कैसे मिलता है? ऐसे ही इलाज मिलता है कि जैसे कोई तकलीफ हो गई, कोई परेशानी भी आ गई, तो हम लोग तत्काल अपनी गाड़ी से या किसी वाहन से तत्काल 6 किलोमीटर पास में ही हमारा महगांव तहसील, वहाँ दिखाएंगे, वहाँ से भी अगर दिक्कत ज़्यादा आ रही है तो हम भिंड के लिए चले जाएंगे, भिंड या ग्वालियर, यही इलाज है। हमारे यहाँ सोनी गांव के अंदर कोई इलाज भी नहीं होता है। क्योंकि आदर्श गांव गोद लेने के बाद कितने वायदे पूरे हुए आप लोग? जैसे आदर्श गांव गोद लेने के बाद कोई भी वायदे जैसे पूरे नहीं हुए, एक भी वायदे पूरे नहीं हुए। आप देख सकते हैं कि ये गांव के लोगों का कहना है कि आदर्श गांव गोद तो ले लिया सांसद महोदय भागीरथ प्रसाद ने, लेकिन जो गांव के हालात हैं वो बेहद बेकार हैं, और जो स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में हालात तो बहुत बेकार हैं, क्योंकि यहां पर अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र तो बना दिया गया है, लेकिन उसमें डॉक्टरों की पोस्टिंग नहीं है, केवल एक ANM है जिसके ज़रिए अस्पताल चलता है, वो भी हफ्ते में एक दिन आती है, जिसके कारण स्वास्थ्य सेवाओं का हाल बहुत बुरा है।
उज्ज्वला योजना के तहत एक परिवार ऐसा नहीं है कि उसको केवल गैस का कनेक्शन नहीं दिया गया हो। ऐसे सोनी गांव में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको गैस के कनेक्शन नहीं मिले हैं, और जिनको मिल गए हैं तो उनको सब्सिडी भी नहीं मिल रही है। तो आप समझ सकते हैं कि हालात हैं जो कैसे हैं। पहले सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं, आपको सिलेंडर तो मिला लेकिन उसकी सब्सिडी कब से नहीं आ रही है? उसकी 5 साल है। अच्छा, क्या क्या लिया गया बता के दिया गया था आपको? मतलब वापसी, मतलब जैसे वापसी मिले करेंगे और मतलब मिलते ना वहाँ में। आपको उज्ज्वला योजना के तहत आपने भी अप्लाई किया था, गैस सिलेंडर मिलेगा चूल्हे पे। आप काय पे खाना बना रहे हैं अभी आजकल? बता रहे चूल्हे बनाते हैं। तो सिलेंडर क्यों नहीं लिया? आई ना क्यों? अब काय नहीं पता, काय नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब उज्ज्वला योजना के तहत दावे तो किए गए थे कि कई सारे जो परिवार हैं उनको चूल्हा दिया जाएगा, गैस का कनेक्शन मिलेगा, लेकिन अभी भी कई सारे जो लोग हैं वो भी गैस से, गैस का चूल्हा नहीं उनके पास, अभी भी चूल्हा जलाकर अपना काय पे आप खाना बनाते हैं? खाना वैसे तो है, गैस सिलेंडर वो खत्म आएगा तो चूल्हे बनाते हैं, अब क्या करें। तो योजना के तहत आपको मिला था कि नहीं मिला था? नहीं मिला था। क्योंकि सब्सिडी आ रही है उसकी? नहीं आ रही। सबसे बड़ी बात ये देखने में आ रही है कि कुछ जो लोग हैं उनको उज्ज्वला योजना के तहत गैस का कनेक्शन नहीं मिला है, साथ ही जिनको मिला है तो उनको सब्सिडी नहीं मिल रही है, तो इसके कारण उनके जो गैस सिलेंडर हैं वो खाली पड़े हुए हैं और वो उसका उपयोग भी नहीं कर पा रहे हैं। सोनी आदर्श गांव का ये ग्राम पंचायत भवन है। आप देख सकते हैं कि जो पंचायत भवन है उसमें ताला लटका हुआ है। गांव के लोगों के मुताबिक ये यहां पर अक्सर ये ताला ही लटका रहता है, बामुश्किल बहुत कम ही ये खुलता है। और जैसा कि अगर किसी को काम अगर करवाना होता है तो उसको दूसरी ओर यानी कि मुख्यालय की ओर जाना पड़ता है। हमारे साथ में जो पंच हैं इस गाँव के, सोनी गाँव के पंच हैं आदर्श गाँव के, वो मौजूद हैं। साहब कब खुलता है ये आपका? ये साहब हफ्ता में एक दिन खुलता है या दो दिन खुल जाए, इसकी कोई ये गारंटी नहीं है कि ये पर डे खुलता है, बंद रहता है ऐसा ही। कोई भी यहाँ कोई अधिकारी वगैरह आते नहीं है, ना सचिव आती है, ना सेक्रेटरी आती है, और ना कोई पटवारी वगैरह कोई नहीं आती है। तुमको अगर काम पड़ता है तो पास में 6 किलोमीटर दूर महंगा हो, आप वहाँ जाओ, फोन नंबर से उनसे बात कर लो, अपना कार्य करा लो। कितना मुश्किल होता है फिर अगर ऐसे हालात हैं तो? आदर्श ग्राम है, उसके बाद कितनी मुश्किलें आती हैं? हमारे पास ऐसी लेडीज़ें भी ऐसी कई कड़ी हैं जो काम के लिए सेक्रेटरी को और उनके लिए आती हैं, पटवारियों के लिए, वो यहाँ कोई कार्य नहीं होता है, सबको महंगा जाने के लिए जाना पड़ता है। तो बहुत से काम ऐसे होते होंगे कि पंचायत से ही काम होते हैं, बहुत सारे कई सारे काम होते हैं, लेकिन वो नहीं हो पा रहे? नहीं हो पा रहे हैं, कोई भी काम नहीं होता है। आप व्यक्त में अगर कोई काम, अगर ये महिलाएं जो खड़ी हैं बुड्ढी हुई जो बुजुर्ग हैं, वो उनके कुछ ऐसे निजी कार्य हैं कि उनके बच्चे वगैरह घर पे नहीं हैं, तो वो अपना कार्य कराने के लिए यहाँ आती हैं, तो यहाँ कोई काम नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि ये सोनी गांव है, जैसा कि कई सारी चीज़ें लिखी हुई है, सांसद आदर्श गांव सोनी। और लेकिन जो बात की जाए स्वच्छ भारत अभियान की भी बात लिखी गई है, लेकिन यहाँ वैसे हालात नहीं दिख रहे हैं। जब पंचायत भवन पर ही ताला लटका रहेगा तो आम आदमी है वो कितना परेशान होगा, किस तरह की उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, ये साफ देखा जा सकता है। क्योंकि ये देख सकते हैं कि आप ये ताला लटका हुआ है, इसमें बकायदा ताला लटका हुआ है और जो अंदर है वो भी पूरा ताला लटका हुआ है। तो कई सारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको परेशान होना पड़ता है। जैसा कि एक महिला अभी भी आई हुई है, बुजुर्ग महिला है, वो काम के लिए लेके अपना कुछ काम कराने आई थी, लेकिन जो पंचायत भवन है उसमें ताला लटका हुआ है, जिसके कारण उसके काम नहीं हो पा रहे। अम्मा किस लिए आई थी आप और क्या काम कराना चाहती थी? हम बेटा आज पेंसिल बनवाए, पेंसिल बनना चाहिए, हमें परेशान। हम तो क्या खुला नहीं है ऑफिस आज? आज की कायदा ही नहीं, तो ऑफिस खुला ही नहीं है, तो कैसे काम से होगा? खुला ना है तो घर को लौटे चले हो, क्या करे। आप देख सकते हैं कि ये बुजुर्ग महिला हैं वो भी परेशान हो रही हैं, क्योंकि वजह ये है इसके पीछे, क्योंकि जो ग्राम पंचायत भवन है वो खुला नहीं है, इसके कारण उनको फिर से वापस लौटना पड़ रहा है। ऐसे में आदर्श ग्राम का सपना कितना साकार हो रहा है ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। सोनी गांव को आदर्श गांव के रूप में डेवलप करने के लिए 2014 में इसको गोद लिया गया था। उस समय सांसद भागीरथ प्रसाद ने कई सारे वादे किए थे, लेकिन उन वादों की हकीकत क्या है ये तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। ऐसे में कह पाना मुश्किल है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा था आदर्श गांव का, वो कितना हकीकत में साकार हो पाया है।
कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 भिंड।